तुम ठीक तो हो ना अमन? मुझे क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है, वरना इतना रंग से रंगने के बाद तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा हुआ है? नहीं, वो भंग शायद ज्यादा हो गई इसलिए रंग उड़ गया है। मतलब रंग में भंग हो गया है? अच्छा अच्छा, मैं जरा नहा कर आता हूँ। तो ओके, ठीक, कहाँ जा रही हो तुम? अरे अपना शैम्पू लेने जा रही हाँ, तो हूँ। मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है ठीक अच्छा, है ये ठीक बताओ, वो सब गए कि नहीं? सब होली खेल रहे क्या? हाँ सब खेल रहे हैं। अच्छा, एडी एडी कभी खेलती है क्या? अच्छा, तुम चलो अभी। तुम मुझे भगा क्यों रहे हो? मैं क्या भगा रहा हूं तुम्हें? कोई राज है क्या यहाँ? जल्दी आना। तुम पागल हो क्या? क्या कर रही हो तुम? यो छुप कर आना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिलैक्स रिलैक्स अमान, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो फिर चुप क्यों रहे? मैं चुप इसलिए नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं अंजलि को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इट्स ओके अमान, मैं भी उसे नहीं बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच क्या है। हमारे बीच कुछ नहीं है अपनी, कुछ नहीं। है हमारे बीच, है हमारे बीच प्यार है अमन। और मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे तो इंतजार था इस दिन का, कब आएगा ये दिन जब तुम और मैं साथ होंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अंजलि को मॉल में मिलना इत्तेफाक था? अश्मित से शादी करना, उसे इंडिया लेकर आना, तुम दोनों भाइयों को मिलवाना, ये सब तुम तक पहुंचने का रास्ता था। और देखो ना, आज मंजिल मेरे सामने खड़ी है। नहीं, नहीं, स्टॉप स्टॉप, प्लीज स्टॉप। वो जो वक्त हमने साथ बिताया था, वो हमारा बीता हुआ कल था। अपनी वो रिश्ता खत्म हो गया है। उस वक्त हमें इस बात का एहसास हो गया था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। उस रिश्ते में कोई गहराई नहीं थी, इसलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। हमारी जिंदगियां अलग हैं अवनी। जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। नहीं, ना मैं तुम्हें भूली हूं और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगी। मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगी जब तक कि तुम मेरे नहीं हो जाते, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और जो मेरा है वो मुझे जरूर मिलेगा। देवर जी के कमरे में पाली
जरूर अंजलि की होगी। अंजलि, हाँ? अंजलि, तुम्हारी बाली गिर गई है, अपनी चीजों को संभाल कर रखना सीखो। अगर हमसे ऐसी लापरवाही हुई होती ना तो तुम्हारे भाई ने जरूर डांटा होता हमें। इस बार मुझे कोई डांट नहीं पड़ने वाली दिव्या, क्योंकि ये बाली मेरी है ही नहीं। लेकिन ये बाली तुम्हारे रघु, एक मिनट। अंजलि के बेडरूम में किसी और का झुमका? अवनी को देखने जा रही थी, बीच में से चली गई, शायद थक गई होगी ना। तुम्हारी और अवनी की अच्छी दोस्ती हो गई है ना? बहुत। अरे वरना तो दोनों भाइयों को मिलाना मुमकिन ही नहीं था। अवनी की मदद नहीं होती तो फिर तो दोनों अब तक रूठे रहते एक दूसरे से। वो भी तो चाहती होगी कि परिवार के करीब आ सके, हम तो अभी ठीक तरह से जान नहीं पाए हैं उसे। कहने को तो अभी मिले हैं हम, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बहुत पुराना रिश्ता है मेरा अवनी के साथ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि अवनी और अश्मित की जिम्मेदारी भी मेरी है, और चाहे जो भी हो जाए दिव्या, मैं ये जिम्मेदारी हमेशा निभाऊंगी। मैं अब इस परिवार को कभी नहीं टूटने दूंगी। अवनी, 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 तुम ठीक तो हो? बैठो यहाँ, तुम ठीक तो हो? तो पी लो। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं तो बिना बताए चली आई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मैं नींबू पानी ले आऊँ? नो नो अंजलि, इट्स ओके। शायद आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई रेस्ट करने के लिए। अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अवनी। आई नो, थैंक यू सो मच। और हाँ, अमन को भी मेरी तरफ से थैंक्स कह देना, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी और यादगार होली रही है। कह दूंगी। ओके, बस अब तुम आराम करो, चलो। okay. नहीं नहीं, आओ यहाँ। ये बाली अवनी की है, लेकिन अवनी अगर यहाँ आराम कर रही थी तो ये बाली देवर जी के कमरे में कैसे पहुंची? अवनी झूठ क्यों बोल रही है? भाई मुझे आपको कुछ कहना है। भाई आप सुन रहे हैं ना? भाई आज मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। अश्वित, 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 अश्वित। भाई आप सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं खुश हूं क्योंकि आप फिर से मेरी जिंदगी में आ गए। भाई आपकी बहुत याद आती थी, बहुत याद आती थी। भाई जब दुखी होता था किससे कहता? आप नहीं थे। जब खुश होता था तो किससे कहता? आप नहीं थे। बहुत गुस्सा आता था जब आप नहीं थे। भाई आप सुन रहे हैं ना? माँ नहीं थी, पापा नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो थे ना। आप नहीं थे तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था भाई, सब कुछ खराब लगता था। भाई आप सुन रहे हैं ना? भाई आश्मित, तेरे बिना बहुत सूना लगता था। क्या बातें हो रही हैं दोनों भाइयों की? भाभी, भाभी, बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी हैं भाभी, बहुत अच्छा।
भाई भाई माँ भाभी जैसे ही होंगी ना, आपको याद है? बताइए ना भाई। हाँ अश्मित, मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप दोनों का आशीर्वाद मिला। और अवनी का साथ, भाई I love her। मैं कितना खुशकिस्मत वाला हूं कि मुझे अवनी जैसी वाइफ ही मिली। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, जान दे सकता हूं। भाई आप सुन रहे हैं ना, मैं उसके लिए जान दे सकता हूं। मैं कह रही हूँ यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन तुम खामखा जा रही हो। विराज भैया गए? हम ही ने भेज दिया है उन्हें, इतनी भांग पी ली थी उन्होंने, हमने कहा घर जाके थोड़ी देर सो जाइए, पर रात को तो आना ही है ना यहाँ। क्या रात में कहाँ? यहाँ हमने अंताक्षरी का एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। अच्छा अंजलि अब मैं चलती हूँ। बाय दिव्या। बाय। एक चीज तो हम भूल ही गए, अवनी ये इयररिंग तुम्हारी है ना? हाँ ये तो मेरी इयररिंग है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिली, कहाँ गिर गई थी? ये हमें देवर जी के कमरे में मिली। हमें लगा कि अंजलि की है, लेकिन ओह अच्छा देखो ना, मैं अभी भी भूल जाती हूँ इस घर में कि मैं कौन से कमरे में जा रही हूँ, कहाँ से निकल रही हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर द इयररिंग्स। ये इयररिंग्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है। किसी स्पेशल ने दी थी। Really? Special तो मैं हूँ, मुझे तो नहीं याद मैंने ये इयररिंग कब दी। तुमने नहीं तो क्या मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है? Well, इतनी एक्सपेंसिव इयररिंग तो कोई धनराजगीर ही दे सकता है। So, मिस्टर धनराजगीर, ये आपने मुझे तब दी थी जब आपने मुझसे पहली बार कहा था आई लव यू। इतनी जल्दी भूल गए? लेकिन तुम्हें तो नहीं भूला हूं और कभी नहीं भूलूंगा, नेवर। भूलना भी मत, कोई मुझे भूल जाए कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये ड्रामा तो और दिलचस्प होता जा रहा है। एक्सीलेंट। अरे मैं सैलेड लाना ही भूल गई, एक मिनट। Hey, I'm so sorry, I'll... अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उधर बैठ जाती हूँ। थैंक्स। अच्छा लिसन अश्मित, अवनी बताओ ना तुम लोग पहले कैसे मिले? चुनी बुआ, हम लोग एक पार्टी में मिले थे पहली बार
और मुझे पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया, दीवाना हो गया था मैं इसका। मैंने सोचा कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अवनी से। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसी दिन ये मेरे लिए अंगूठी भी ले आए। That was really funny. In fact, अगले दिन हमने शादी भी कर ली थी। By the way, अवनी, हमने कभी पूछा ही नहीं, लंदन में क्या कर रही थी तुम? जब हम मिले तब तक मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। ना, I'm talking about उससे पहले क्या कर रही थी? उससे पहले मैं मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी और फिर एक कंपनी में मैंने एक महीने के लिए एज अ ट्रेनी भी काम किया। Is it? Very good. मैनेजमेंट ट्रेनी, हाँ? कौन से कंपनी में? धनराज की ग्रुप ऑफ कंपनी। What? तुम मेरी कंपनी में थी और मैंने तुम्हें देखा नहीं? ये कैसे हो सकता है? Come on, Ashmit. अब तुम 4 साल पहले वहाँ नहीं थे। Wait a minute. If I'm not mistaken, 4 साल पहले अमन लंडन ऑफिस तुम हैंडल कर रहे थे, राइट? जी हाँ। सच? अमन, तुम अवनी को पहले से जानते हो? नहीं तो, सॉरी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। आई एम श्योर, मैं वहां पर ट्रेनी थी और तुम बॉस, और वैसे भी मैं एक ही महीने के लिए तो थी। काश तब मैं वहां होता, फिर हमें शादी के लिए इतने साल नहीं लगते वाइफी। लेकिन जब जिसकी किस्मत में मिलना लिखा होता है वो तभी मिलता, जैसे कि मेरी किस्मत में लिखा था मिसेस धनराज कीर बनना। सो यहाँ आया। अमन, वो सैलेड पास करोगे प्लीज? अमन, सैलेड पास कर दो प्लीज। अमन, अमन, क्या हुआ? एडी भुआ, ये लीजिए। थैंक यू अपनी। क्या बात है अमन, कहाँ खोए हो? यस मिस्टर कुमार जी, आपका मैसेज मिल गया मुझे। ठीक है, आप मीटिंग 5 बजे के लिए फिक्स कर दीजिए। ओके। इयररिंग, की इयररिंग पहना दो प्लीज। जब मुझसे पहली बार आई लव यू कहा था तब ये इयररिंग दी थी तुमने मुझे, और तब से लेकर आज तक मैंने ये इयररिंग दोबारा पहनी नहीं, भूल गई थी इसे कैसे पहनते। कम ऑन, पहना दो ना। अब नहीं, बस करो, ये हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छी तरह समझ लो तुम। समझ में नहीं आ रहा है, अचानक अमन कहाँ चले गए? नाइमा, मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। अमन जैसा पति मिला है मुझे। सोच लो, अंजलि यहीं आ रही है। यहाँ अकेले अंधेरे में खड़े हुए देख लिया तो कम ऑन डाले, सिर्फ इयररिंग्स ही तो पहनाने हैं। Come on.
अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए तुम इतना सा तो कर ही सकते हो। इट्स ओके। Thank you.